मुख्यमंत्री जी का निर्देश और आदेश चलेगा या किसी अधिकारी का चलेगा? जब मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया, सदन में आश्वस्त कर दिया, तो ये कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री से ऊपर अपने आप को समझता है? ये घोर अपमान है। नहीं मानते हैं तो सरकार से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए। अगर सदन में आधिकारिक घोषणा हुई है तो सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए, जो 9:45 से 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलेगा, ये प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए सरकार के घोषणा के बाद। क्या होगा आधिकारिक घोषणा के बाद से कि होगा? जब मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया, सदन में आश्वस्त कर दिया, तो ये कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री से ऊपर अपने आप को समझता है? लगभग 10 दिन हो गए हैं और मुख्यमंत्री जब कह दिए महोदय, और ये मामला ऐसा, कोई व्यक्ति को लोकतंत्र में एक व्यक्ति सदन से बड़ा, राज्य से बड़ा, शिक्षा से बड़ा नहीं हो सकता महोदय। ये घोर अपमान है और यह अपमान लोकतंत्र में उचित नहीं है महोदय। महोदय सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए सरकार की तरफ से। और महोदय सरकार के तरफ से महोदय संदेश देना चाहिए, पदाधिकारी पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलना चाहिए सभापति महोदय। महोदय पूरे सदन हो गया, ये सदन से विभिन्न हो गया और माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, क्यों खट के बात करते हैं? महोदय सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए, सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकाल के इसको स्पष्ट किया जाए। अधिकारी पर ये मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रेस विज्ञप्ति निकालनी चाहिए महोदय। ये महोदय पूरे सदन का अपमान है, इस पर निश्चित रूप से संज्ञान सदन आसन को भी लेना चाहिए और माननीय मंत्री सक्षम मंत्री है, ये कट के बाद सदन को अस्वस्थ नहीं करे, साफ साफ करे कि इस राज्य में मुख्यमंत्री जी का निर्देश और आदेश चलेगा या किसी अधिकारी का चलेगा? क्या सदन से बड़ा कोई अधिकारी है? नौ बजे से पांच बजे ही चलेगा। बार बार शिक्षा मंत्री और सभापति महोदय, महोदय मैं समझता हूँ इस मामले में जब मुख्यमंत्री महोदय की आधिकारिक घोषणा सदन में हो गई है, शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा भी ये घोषणा हो गई है, तो मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से या सरकार के तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए, जो कि 9:45 से ही विद्यालय का संचालन होगा 4 बजे तक। ये महोदय बहुत ही गंभीर बात है, इसको गंभीरता से लिया जाए, हम लोग आपका संरक्षण चाहते हैं। और शिक्षा महोदय ऐसे नहीं चलता है, सवाल शिक्षा का है सभापति महोदय। ये महोदय आग्रह है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।